नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर की शान और जान कही जाने वाली फतेह सागर झील पर यूं तो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की रेलम पेल इसे निहारने मात्र के लिए आती और जाती रहती है, और यहीं पर लगे स्वादिष्ट व्यंजनों की चौपाटी बाजार में जायका और स्वाद के चटकारे लेने के लिए जो दुकानें और हाथ ठेला लगे हुए हैं, उन्हें देर रात, जैसा कि बताया जा रहा है कि करीब 12 से 1 बजे के मध्य तेज़ रफ्तार आई एक कार ने अपनी चपेट में लेते हुए कई ठेला गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंचे रोजमर्रा की भांति ठेला मालिकों को जब ज्ञात हुआ तो मौके से संबंधित थाना परिसर में पहुँच मामला दर्ज करवाया। चौपाटी में व्यवसायियों का कहना है कि तेज़ रफ्तार गाड़ी से जो हादसा देर रात हुआ, अगर वह व्यवसाय चल रहे समय में होता तो कई जनहानि हो सकती थी। साथ ही मांग की है कि संबंधित गाड़ी मालिक पर नियमों के तहत कार्रवाई कर हमें हमारे नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाए। मुमैया बाजार के अध्यक्ष भरत साहू ने बताया है कि यहां पर ठेला लगा व्यवसाय करने वाले सभी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, और ऐसी आर्थिक मंदी के दौर में सभी अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हुए नुकसान से भरपाई कर पाना मुश्किल है, कार्रवाई कर नुकसान की भरपाई घटित घटनाक्रम करने वाले से करवाई जाए।